हेलो एवरीवन, क्रेजी रेसिपी विद मुस्कान चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त मुस्कान एंड आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं पंजाबी स्टाइल राजमा रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और पंजाब में जिस तरह से बनता है मैं उस तरह से बना रही हूं। सो सबसे पहले हमने 8-10 घंटे के लिए राजमे को पानी में भिगो के छोड़ देना है और हमारा जब राजमा भीग गया है तो इस तरह से दिखेगा, हमारा राजमा भीग चुका है। अभी इस पानी को हम निकाल देंगे और इसको 2-3 बार साफ पानी से धुल लेंगे। तो हमने राजमा को अच्छे तरह से साफ पानी से धुल लिया है। अब हम चलेंगे इसको उबालने के प्रोसेस में। तो एक कुकर में हम पानी ले रहे हैं और राजमा को डाल दिया है। अभी इसमें हम डालेंगे कुछ खड़े मसाले। तो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पर डाल रही हूँ एक तेज पत्ता। खड़े मसाले हम इसलिए डालते हैं ताकि बहुत ही अच्छा टेस्ट आए। एक में डाल रही हूँ दालचीनी, एक में डाल रही हूँ इलायची और कुछ डाल रही हूँ मैं काली मिर्च। ये खड़े मसाले पानी में डालने से इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, अगर आप उबालते समय इनको डालते हो। और मैं 1.5 चम्मच नमक डाल रही हूँ। अभी हम इसको उबलने के लिए रख देंगे, 2 से 3 सीटी आने तक इसको अच्छे से उबाल लेंगे। अभी मैं ले रही हूँ अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, इन सबको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। और ले रही हूँ टमाटर, ये 2 बड़े टमाटर हैं, इन सबको हमें अच्छे से फ्राई करना है। तो एक पैन में डाल रही हूँ ऑयल, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम डालेंगे इसमें हींग। हमारी हींग जब अच्छे से हो जाएगी फिर हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जीरे को अच्छे से चटकने देना है हमें। अब हम यहाँ पे डालेंगे प्याज। और प्याज को हमें ब्राउन होने तक भूनना है। प्याज जब हमारा हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन की कलियाँ और इसमें डालेंगे अदरक और डालेंगे हरी मिर्च, इन सबको भी अच्छे से हमें भूनना है। जब हमारा प्याज और अदरक अच्छे से ब्राउन हो जाएगा उसके बाद हम टमाटर डालेंगे। तो अभी देखिए ब्राउन हो गया है, अब हम डाल रहे हैं इसमें टमाटर। टमाटरों को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इनको हल्का सा ही भूनना है। अब हम इसमें डाल रहे हैं नमक। नमक हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमारा जो टमाटर है वो गल जाए जल्दी से। और अच्छे से चलाना है इसे। अभी हमारा इसको 5 मिनट के लिए हमें ऐसे छोड़ देना है। जब अच्छे से ये सब चीज़ें फ्राई हो जाएंगी उसके बाद हम गैस को करेंगे बंद और इन सब चीज़ों को ठंडा होने के लिए निकाल देंगे। तो अभी बस इसको ठंडा होने देना है। हमारा प्याज लहसुन अच्छे से ठंडा हो चुका है, अब हम इसको डालेंगे एक मिक्सर जार में और इसका पेस्ट बनाएंगे। अगर आप फ्राई करके गाइस पेस्ट बनाते हैं तो टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है सब्जी। कोई भी सब्जी अगर आप फ्राई करके पेस्ट बना के अगर बनाते हो तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब इसको हम एक फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लिया है, आप देख सकते हो जैसे कि। और हमारा जो राजमा है वो भी देखिए कितना अच्छा कलर आया है और अच्छे से पक चुका है। अब हमें राजमे के पानी को फेंकना नहीं है, इसको भी हम यूज़ करेंगे। तो अब हम डाल रहे हैं ऑयल। अब हम डाल रहे हैं लाल मिर्च, ये कलर वाली लाल मिर्च है जिसे रोगनी मिर्च भी कहते हैं। और इसको ऑयल में इसलिए डालते हैं ताकि बहुत ही अच्छा सा कलर आए। और हमने अपनी जो ग्रेवी बनाई थी वो भी इसमें डाल दी है, बाकी मसाले हम बाद में ऐड करेंगे।
और इस पेस्ट को अच्छे से हमें ग्रेवी को भूनना है। इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपकी ग्रेवी ऑलरेडी पकी हुई है, तो आपको 5 मिनट के टाइम में ही ये ग्रेवी अच्छे से तैयार हो जाएगी। और ये प्रोसेस हमें मीडियम आंच में करना है, आंच तेज नहीं रखनी है। तो आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी बहुत अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे और मसाले। तो मैं सबसे पहले इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, इसके बाद मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच हम धनिया पाउडर यूज़ करेंगे। आधी चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें गरम मसाला, आधी चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च पाउडर ऑप्शनल है गाइस, अगर आपको पसंद है तो आप डालिए, क्योंकि डालने से फ्लेवर बहुत अच्छा है, इसलिए इसको हम डाल रहे हैं। बाकी मसालों को हमें अच्छे से भून लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी और मसाला बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है, कलर भी कितना अच्छा आया हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे अपना राजमा। तो राजमा का जो पानी था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है, मैं अलग से पानी इसमें नहीं यूज़ करूँगी। अच्छे से इसको चला लीजिए। तो आप गाइस देख सकते हैं हमारा राजमा कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। अब इसको थोड़ी देर हमें ऐसे पकाना है। हम इसमें ऐड करेंगे हरी धनिया जो कि टेस्ट को और भी ज़्यादा इनहेंस करेगा। हमारा राजमा बिल्कुल बनके तैयार है, पंजाबी स्टाइल राजमा बनके बिल्कुल तैयार है। आप कलर भी देख सकते हो कितना अच्छा कलर आया है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस।